Welcome my ninjas to the channel. I am Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So hi guys, welcome everyone to today's session. All my new subscribers and new number ninjas, you don't know me, but I am Sana Khan. I am a software engineer and a maths master teacher at Vedantu. I know I am not coming live these days. I am not able to meet you guys and interact with you guys, but don't worry please, I will be soon coming back and meeting everybody. और मुझे अपने students पे पूरा पूरा भरोसा है कि वो बिल्कुल दिल लगा के मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे and कुछ भी miss नहीं किया होगा उन्होंने अभी तक, because आगे के session तो continuation में, अगर आप एक भी class miss कर दोगे तो आगे का समझ ही नहीं पाओगे, right? I know you guys must be missing me because I am definitely missing you guys a lot. मैं अपने बच्चों को बहुत याद कर रही हूँ और बहुत बहुत जल्द वापस आऊंगी और फिर ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, ठीक है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आप लोग प्लीज अपने होमवर्क करते रहना, पढ़ाई करते रहना, गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है? दैट्स योर प्रॉमिस फ्रॉम यू गाइस टू मी, राइट? रिमेम्बर? ओके, सो चलो आज हम करने वाले हैं डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट. अब डिविजन को हम पहले समझते हैं कि वो होता क्यों है ऐसा, ठीक है? मतलब कैसे होता है. तो डिविजन को आप इस तरीके से समझो कि सपोज देयर इज अ क्वेश्चन दैट 1/2 इज डिवाइडेड बाय 1/8, ठीक है? नाउ इफ 1/2 इज डिवाइडेड बाय 1/8, आई कैन राइट इट इन दिस वे आल्सो. दैट मींस व्हाट? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल टू 1/2. लीनियर इक्वेशन, राइट? यू ऑल नो इट. सो दिस कैन बी रिटन इन दिस वे. मल्टीप्लीकेशन तो हमें पता है, हमने सीखा है ना. 4 टाइम्स 1/8 का मतलब क्या होता है? 1/8 को 4 बार ऐड करो. तब आप इस पिक्चर से समझो, मैंने इस सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज 1/8, दिस इज 1/8, दिस इज 1/8, दिस इज 1/8, राइट? तो अगर मैं 1/8 को 4 बार ऐड करूं, 1, 2, 3, 4, तो मुझे क्या मिला? मुझे ये पोर्शन मिला. अब आप देख रहे हो कि दिस पोर्शन इज नथिंग बट हाफ ऑफ द सर्कल, राइट? दैट मीन्स वॉट? इफ आई मल्टीप्लाई 4 विथ 1/8, आई विल गेट हाफ, है ना? तो जब मैं इस 1/8 को इस साइड भेजती हूँ तो मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा? डिविजन बन जाएगा. दैट इज व्हाई 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8 4 होता है, ठीक है? अभी तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे होता है. अब ये समझते हैं कि करना कैसे है इन अ वेरी सिंपल वे. कुछ नहीं करना है, डिविजन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देना है. कन्वर्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? इन्वर्ट द फ्रैक्शन दैट यू आर डिवाइडिंग बाय. हम बोलते हैं ना ए डिवाइडेड बाय बी, तो इसमें ये जो बी होता है इसको इन्वर्ट कर दो. इन्वर्ट मतलब रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब अगर बी है तो वो बन जाएगा 1/b, अगर ए बाय बी है तो वो बन जाएगा बी बाय ए. इसको बोलते हैं इन्वर्ट करना, रेसिप्रोकल करना, ठीक है? सो हमने b का रेसिप्रोकल ले लिया तो 2/3 क्या बन गया? 3/2. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू कन्वर्ट डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन. डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन बना दो, 2/3 को 3/2 बना दो और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लो. अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीखा है, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर. 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10. सो क्या आया? 12/10. 12/10 इज नथिंग बट 1/5, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. इजी है, राइट? चलो अब इसको फिर से हम एक एग्जांपल समझते हैं. क्या करना है? लीव मी मतलब राइट द नंबर एज इट इज. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? चेंज मी. क्या करना है? डिवीजन को बनाना है मल्टीप्लीकेशन. टर्न मी ओवर, 1/6 बन जाएगा 6/1. उल्टा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है? लीव मी, चेंज मी, टर्न मी, इस तरीके से याद कर लो आप. पहला वाला एज इट इज रहेगा, दूसरा वाला चेंज हो जाता है और तीसरा टर्न हो जाता है, ठीक है? बस यही करना है. डिविजन को मल्टीप्लीकेशन बना देना है और मल्टीप्लीकेशन तो सारे निंजास को आता है, ठीक है, राइट? सो चलो बिफोर मी मूव ऑन, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे न्यू नंबर निंजास हैं, आई वांट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट वेदांतु हैज ब्रॉट अ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पैक फॉर एवरी स्टूडेंट, फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टूडेंट्स. किस लिए लाया है? ताकि आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए अपनी सारी प्रॉब्लम्स का. वो कैसे? कि बच्चों कई बार ऐसा होता है
कि हम बहुत रिमोट एरिया में हैं, हम अपने अभी कोरोना के टाइम में तो हम अपने टीचर से मिल भी नहीं पा रहे हैं, हम कहीं जाके पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हैं, राइट। सो अगर घर बैठे हमें ऑप्शन मिले कि तुम अनलिमिटेड लाइव क्लासेस ले लो, जितनी लेनी है, ठीक है, उस लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी ताकि आप दोबारा सुन सको, टेस्ट सीरीज देंगे ताकि आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सको, स्टडी मटेरियल देंगे ताकि आप पढ़ के भी पढ़ाई कर सको, टेस्ट और क्वेश्चंस कर सको, एंड आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज भी सेशंस देंगे, प्लस क्रैश कोर्स भी देंगे कि अगर एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना है वो भी कर लो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है आपको। कैसे? यू हैव टू सिंपली सेलेक्ट योर ग्रेड। सपोज आपने अपना क्लास सेलेक्ट कर लिया, अपना ईयर ऑफ एग्जाम सेलेक्ट कर लिया, देन आई विल सजेस्ट यू दैट यू गो फॉर 6 months पैक, ठीक है। अगर आप इस 6 month पैक को बाय करते हो देन यू विल गेट इट एट अ वेरी 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 नॉमिनल प्राइस, आपका पर मंथ समथिंग 1400 समथिंग पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको सिर्फ अप्लाई करना होगा एक प्रोमो कोड, दैट इज नथिंग बट SKPRO, ये है मेरा प्रोमो कोड SKPRO, ओके गाइज। सो यू गाइज कैन सब्सक्राइब टू दिस पैक, आप वेदांतु की साइट पे जा सकते हो एंड आपको ये सारी सारी चीजें मिल जाती है, लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड अटेंशन फ्रॉम इंडिया बेस्ट टीचर्स, स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम आपके अकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज असाइनमेंट्स, लर्निंग मटीरियल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 2.4। नाउ बहुत सिंपल सा है, डिवीजन करना है, डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 / 3/4, क्या करना है, लीव मी, चेंज मी, टर्न मी, ठीक है, LCT याद कर लो, LCT, इसको ऐसे रख दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन बना लिया, इसको टर्न कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 12 × 4/3, सो व्हाट इज 3, 1 is 3 एंड 3 4 is 12, बचा क्या 4 × 4 is 16। सिमिलरली मिक्स फ्रैक्शन है, कैसे करते हैं, सबसे पहले उसे बनाते हैं इम्प्रॉपर, तो 7 × 3 = 21, 21 + 4 = 25, तो ये बन जाएगा 25/7। लीव मी, टर्न मी एंड सॉरी चेंज मी एंड टर्न मी, तो 5 को 5 बना दिया, डिविजन को मल्टीप्लीकेशन बना दिया, इसको टर्न कर दिया, आ गया हमारा आंसर। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, आंसर आया 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेसिप्रोकल एंड टेल वेदर दे आर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर्स, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था 5/8, रेसिप्रोकल मतलब क्या, टर्न करना, सो 5/8 को टर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, 8/5। नाउ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब इट विल बी व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली 9/7, टर्न ओवर किया 7/9, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, याद है ना सबको, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डिवाइड अगेन, लेट्स डू द डिविजन एंड प्लीज 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 डू हिट द लाइक बटन, all my ninjas keep loving number ninjas, okay, so that we can keep teaching you and keep making math the easiest subject for you, okay guys। chalo moving on, let's divide 7/3 as it is, division ban jayega, multiplication and 2 ban jayega 1/2, right, so this will become what, 7 × 1/3 × 2, 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, answer aaya 7/6, easy tha। Then this is a mixed fraction. Mixed fraction को क्या करते हैं, पहले improper बनाते हैं, 7 × 4 = 28, 28 + 3 = 31, so this will become 31/7/7, leave me, change me, turn me, है ना, तो 31/7 को as it is लिख दिया, division को multiplication बना दिया, इसको turn over कर दिया, तो answer आया 31 × 1/7/7, what is 7 × 7, 49, so the answer is 31/49, understood? चलो next question is, you have to divide 3/7 by 8/7, okay, so let's do the division, बहुत simple है, change, write it as it is, division को multiplication बना दिया, 8/7 को 7/8 बना दिया, 7/7 कट हो रहा है, बचा क्या, 3/8, कुछ भी नहीं करना है, right? Okay, चलो now this question is the last question, I'm giving you this
एज अ होमवर्क जरूर से करना, कमेंट करके मेथड लिख के आंसर बताना। मैं सब बच्चों की कमेंट देख रही हूँ, दैट्स माय प्रॉमिस, ओके। और मैं वापस आके खबर भी लूंगी आप लोगों की किया कि नहीं किया, ओके गाइस। चलो देन, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर नॉट देयर एट द बिगनिंग, आई वांट टू टेल यू गाइस वंस अगेन अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन पैक, which is providing you unlimited live classes, recorded sessions, notes, assignments, tests, and many more things in a structured long-term program, chapter-wise, with chapter-wise sessions, crash course, and everything. So, bachcho, keep loving Vedantu. Vedantu is always there to support you guys, to help you guys. Okay, so keep loving Number Ninjas. And this is Sana Khan, your Math Master teacher, signing off from today. Till then, keep loving math and do the homework, please. Okay, so bye-bye. Take care.